गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जो हमारी क्लास चल रही थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि जब उस कन्या को श्रांताम ताम विलोक्य काके एवदत, उसको थका हुआ देख करके काके एवदत कोवा बोला, पूर्वम लघु प्रहत्राशम क्रियता, पहले सुबह का नाश्ता कीजिए, वद बताइए त्वर्ण त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्याम, क्या चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। यानी कि जब उसने उस कन्या को थका हुआ देखा तो कोवा बोला कि पहले सुबह का नाश्ता कीजिए, तो कहिए बताइए कि आप सोने की थाली में भोजन करेंगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में भोजन करेंगी। बालिका एवदत, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजन करिष्यामि। क्या कहा? ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। क्या कहा उसने? उसने फिर कहा, बालिका ने कहा, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही खा लूँगी, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही खा लूँगी। बालिका एवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, तांबे की थाली में ही मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, निर्धन भोजन करूँगी। बालिका ने कहा कि मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। तदा तब सा वह आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित संजाता हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कोवे ने स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन को परोसा। तदा अर्थात तब वह जो लड़की थी वह कन्या थी वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन को परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अधावधि बालिका खादितवती। न मतलब नहीं, एतादृशं मतलब ऐसा, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, भोजनम भोजन अधावधि आज तक बालिका बालिका ने खादितवती खाया, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक उस बालिका ने नहीं खाया। काको एवदत, कौवा बोला, क्या बोला? बालिके अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। काको एवदत, कौवा बोला, बालिके बालिका अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है यत कि त्वं तुम सर्वदा हमेशा अत्र एव यहाँ पर ही तिष्ठ रहो, परम परंतु तव तुम माता तु तुम्हारी माता के तो एकाकिनी वर्ते, परंतु तुम्हारी माता के तो तुम एक ही हो, अकेली ही हो। कोवा बोला, बालिका मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, बालिका मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, परंतु तुम्हारी माता जो है अकेली है। आगे क्या कहता है? अतः त्वम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, अतः इसलिए त्वम तुम शीघ्रम एव जल्दी ही स्वगृहम अपने घर गच्छ जाओ, अतः तुम जल्दी ही या शीघ्र ही अपने घर जाओ। देखिए ये था आपका ये वाला पैराग्राफ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इति उक्त्वा काके कक्षाभ्यंतरात् तिस्त्र मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, प्रत्यय एवदत् बालिके यथेच्छम ग्रहाण
मंजुषाम एकाम। क्या कहा? इति उक्त्वा, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, काके कौवा कक्षाभ्यंतरात कक्षा के अंदर अर्थात कमरे के अंदर से, तिस्त्र तीन, मंजुषा अर्थात पेटी या बॉक्स या संदूक, तीन संदूक निस्सार्य निकाल करके, ताम प्रत्यवदत और उसके सामने फैलाकर, ताम प्रत्यवदत उससे बोला, क्या बोला? बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजुषाम एकाम, बालिका जैसी तुम्हारी इच्छा हो इनमें से कोई एक संदूक ले लो। इति उक्त्वा काके ऐसा कह करके, कौवा कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से, तिस्त्र मंजुषाम तीन पेटियों को संदूक को लेकर के, निस्तार्य उसके सामने फैलाकर, ताम प्रत्यवदत उस लड़की से उस कन्या से बोला, क्या बोला? बालिके बालिका यथेच्छम ग्रहाण मंजुषाम एकाम, आपकी जैसी इच्छा हो इनमें से एक संदूक को ले लो। लघु तमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुला नाम मूल्यम। लघु तमाम सबसे छोटी, लघुतम मतलब छोटी और तमाम मतलब उसमें तमाम प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है लघुतम सबसे छोटी मंजुषाम संदूक को प्रगृह्य लेकर के बालिकया बालिका कथितम कहा, इयत एव यही मध्य तंडुलान मेरे चावलों का मूल्यम मूल्य है, यही मेरे चावलों का मूल्य है। अर्थात सबसे छोटी संदूक को लेकर के बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। देखिए बेटा, उसने यहाँ पर, उस बालिका ने यहाँ पर लोभ नहीं किया कि मैं बड़ी पेटी को उठाऊँ या संदूक को उठाऊँ, उसने सबसे छोटी पेटी को लिया, सबसे छोटी संदूक को लिया और कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। नेक्स्ट आगे जो हमारी गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, गृहम आगत्य घर आकर के तया मंजुषा उस संदूक को समुद्घाटिता खोला, तस्या उसमें महाहारणी हीरकाणी। अर्थात घर आकर के जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरो को विलोक्य देख करके सा प्रहर्षिता, वह बहुत अधिक प्रसन्न हुई। आगे तद दिना दिना चय संजाता, और उस दिन से वह धनी हो गई। तद दिना धनी का चय संजाता, तद दिना तद मतलब उस दिना मतलब दिन से, धनिका अर्थात धनिक चय संजाता हो गई। गृहम आगत्या तया घर आकर के जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरो को देख करके वह बहुत अधिक प्रसन्न हो गई, और उस दिन से वह धनी हो गई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बेटा ये जो आपका जो वीडियो की जो क्लास चल रही थी ऑनलाइन की, ये आज के लिए आपका जो वर्क है वो यही है, और आपका आज का होमवर्क है जितना मैंने ये जो आपको
चैप्टर पढ़ाया है इसकी संस्कृत लिखेंगे और उसका हिंदी अर्थ करेंगे। जैसा कि आपने पहले अभी तक किया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको इसका हिंदी अर्थ करना है, संस्कृत लिखना है और उसका हिंदी अर्थ लिखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।